हर आर्टिस्ट को मास्टर के वर्क्स को कॉपी करना चाहिए। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ रियांश राहुल। आज की स्टूडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ चीज़ें, और मैं दिखाने वाला हूँ एक मास्टर के वर्क को स्केच करके क्विकली। हर बार हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता कि हम डायरेक्टली जाएं बड़े बड़े म्यूजियम्स में जो ग्रेट मास्टर्स रहे हैं उनके वर्क्स को कॉपी करें, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी है उनके वर्क्स को देख के, कुछ प्रिंसिपल्स कुछ बातें जाननी है तो। बट आप क्या कर सकते हो, एक तो आपके पास ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन उनके वर्क्स को देखो और ट्राई करो कि उसको कॉपी करने का, या फिर जो चीज़ मैंने की वो मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को सीखने को मिलेंगी, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको एज एन आर्टिस्ट ग्रो करने में, आप प्रोफेशनली जाना चाहते हो या नहीं आर्ट में। बट ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं, बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हो इन सारी चीज़ों को जानने के बाद। तो अच्छे से इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए, एंड पसंद आया तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली मैं नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट मुंबई मैंने विजिट किया था, वहाँ पे मैंने मास्टर आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा के ये प्रिंट्स परचेस किए थे पेंटिंग के। तो इस पैकेट में मुझे टोटल 6 पेंटिंग के प्रिंट्स मिले थे, काफ़ी सही रेट में मिल गए, 200-300 रुपीज़ इनकी प्राइस थी ओनली। एंड ये प्रिंट्स काफ़ी हाई क्वालिटी के हैं, टोटल 6 पेंटिंग्स के प्रिंट थे इनमें। सबके नाम जो है पेंटिंग के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप नेट में सर्च करके देख सकते हो। ये वाली पेंटिंग मैंने नेशनल गैलरी जब मैं गया था दिल्ली की, तो वहाँ पे मैंने ओरिजिनल भी देखी थी। तो हाई क्वालिटी के प्रिंट्स अगर आपको नेट में मिल जाते हैं तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लो। ये वाली पेंटिंग भी मैंने नेशनल गैलरी में ओरिजिनल देखी थी, तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ कि काफ़ी अच्छे क्वालिटी के प्रिंट्स हैं। एंड अगर आपको नेट में मिल जाते हैं तो आप उसको डाउनलोड करो। अगर आप कहीं विजिट करते हो गैलरी वगैरह और आपको डायरेक्ट स्केच करने का मौका नहीं मिलता, तो वहाँ से आप प्रिंट्स परचेस करो, काफ़ी कम रेट में मिल जाते हैं, और घर आकर आप उसको कॉपी कर सकते हो और बहुत कुछ सीख सकते हो। मोबाइल पे फ़ोटो देखने से बहुत दिक्कत होती है क्योंकि उसमें कलर्स बहुत अप एंड डाउन होते हैं, बहुत चेंजेस आ जाते हैं। बट प्रिंट्स वगैरह में क्या होता है ना, रियलिस्टिक शेड्स रहते हैं, तो आप डायरेक्ट प्रिंट को लेके अगर स्केच करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। अगर आप डायरेक्ट नहीं मौका मिलता तो आप प्रिंट्स को लेके आप उसको मास्टर कॉपीज़ वगैरह आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो आज हम पोर्ट्रेट ऑफ ए जेंटलमैन जो है उसकी स्केच बना रहे हैं उस पेंटिंग की। एंड काफ़ी लाइट शेड आपको स्टार्ट करना है, एंड सिर्फ मार्किंग पे ध्यान देना है, शुरू में एकदम लाइट मार्किंग करनी है। तो मास्टर के वर्क को कॉपी करने के बाद हम कुछ चीज़ें सीखेंगे, और उस चीज़ों को हम जब फ़ोटो से या डायरेक्ट लाइव से जब हम स्केच कर रहे होंगे, पोर्ट्रेट वगैरह बना रहे होंगे, तो उन चीज़ों को हम उस जगह भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम उनसे सीख के अपने वर्क में डाल सकते हैं जो हमारे वर्क को और इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकता है। हम सबको पता है कि ड्राइंग करते समय हमें उसको बहुत लाइट रखना है, और ये बात बोलने में बहुत छोटी लगती है कि हमें ड्राइंग लाइट रखनी है, बट ये बहुत बड़ा चेंज ला सकती है आपके ड्राइंग में। अगर आप एक पोर्ट्रेट बना रहे हो और आप किसी एरिया को बहुत ज़्यादा डार्क कर देते हो तो बहुत चांस है कि आपका ध्यान उसी तरफ जाएगा। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप हर लाइन, जब तक आपकी मार्किंग कंप्लीट ना हो जाए, हर चीज़ को एकदम लाइट रखो। ओवरऑल आप देखते रहो कहीं गलती हो रही है या नहीं हो रही है। अगर आपने आईज़ बनाते समय उसकी आईबॉल को शेडिंग कर दिया, बहुत डार्क कर दिया, तो आपका ध्यान बार बार उसी तरफ जाएगा, और बाकी गलतियां जो आसपास है, नोज़ में, लिप्स में, सब चीज़ों में जो गलतियां हो रही हैं, आपको जल्दी से नज़र नहीं आएगी। तो इम्पॉर्टेंट है कि इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान में रखो कि आपको पूरी ड्राइंग कंप्लीट होने तक लाइट रखनी है। जब मार्किंग हो जाए तो शेडिंग भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो बहुत लाइट शेडिंग से स्टार्ट करो। शेडिंग करते समय भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी ड्राइंग सही है या नहीं है। पहले आपको लगेगा कि आपकी ड्राइंग सही है, फिर आपने शेडिंग स्टार्ट कर दी, फिर अगर आपको कभी भी बीच में लगता है कि नहीं ड्राइंग में थोड़ी सी गलती है, तो उसको तुरंत आपको ठीक करना है, उसको स्किप करके आगे नहीं बढ़ना है। एंड मैं यहाँ पर ब्लेंडिंग के लिए स्पंज यूज़ कर रहा हूँ अपने पैलेट नाइफ में लगा के,
मैंने पहले वीडियोस में भी इसे यूज़ किया है, तो आपने देखा होगा मुझे ये इसे यूज़ करते हुए। एंड एक वीडियो में मैंने बताया था इसके बारे में, तो वो भी आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो मैं ब्लेंडिंग भी कर रहा हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा डार्क नहीं कर रहा, मैं सिर्फ लाइट एंड शेड कहाँ कहाँ पे चेहरे पे है उसको देख के सिर्फ उस जगह में हल्की हल्की ब्लेंडिंग कर रहा हूँ। बहुत डार्क नहीं करना है आपको शुरू से। तो जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। तो ड्राइंग जब आपकी कंप्लीट हो जाए, लाइट शेड आपने लाइट पार्ट कहाँ है डार्क पार्ट कहाँ है डिफाइन कर लिया, उसके बाद धीरे धीरे फिर आप डार्कनेस बढ़ा सकते हो जहाँ जहाँ पे आपको डार्कनेस बढ़ानी है। जब आप ड्रॉ करो तो हर चीज़ को ध्यान से देखिए कि लिप्स कहाँ पे टर्न है या फिर कोई शेडो है तो उसकी क्या डिज़ाइन बन रही है। तो हर चीज़ आप ड्रॉ कर लो तो आपको समझ आएगा कि इस एरिया में मुझे कितना शेड करना है। तो आप देख सकते हो कि बार बार लेयर देने के बाद भी मैं अभी बहुत लाइट स्टेज पे हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डार्क जा सकता हूँ। आपको शुरू से बहुत ज़्यादा डार्क नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ पेंसिल को यूज़ नहीं करना है। आपको जो एरिया सही लगते जाएगी आप उस जगह को और रिफाइन करते जाओगे। आपने लिप्स को बनाया, आपने उसको थोड़ा सा डार्क किया, फिर आपको लगा कि कुछ गलती है तो आपने ड्राइंग को ठीक की, फिर आपको लगा कि अब ड्राइंग सुधर गई है तो थोड़ा सा और डार्कनेस अगर ज़रूरत है तो दिया। तो ऐसे कर करके जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ की ड्राइंग सही होती जा रही है, अगर आइज़ है, अगर ड्राइंग एकदम सही हो चुकी है और उसमें डार्कनेस देनी बाकी है, तो आप फिर लेयर वाइज दो। एक बार में डार्क करने के बाद क्या होता है, बाद में अगर आपको लगता है कि इसकी ड्राइंग सही नहीं बनी तो उस डार्क एरिया को फिर रब करना बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, फिर उसको आप साफ़ नहीं कर पाओगे अच्छे से, फिर उसको मिटा नहीं पाओगे। तो एकदम लाइट शुरू से चलो, बीच में कहीं आपको ड्राइंग सही करनी पड़ सकती है तो उसको सही करते हुए चलो। हम फोटो को भी कॉपी कर सकते हैं, पर जो मास्टर होते हैं वो क्या होता है, जब वो पेंटिंग बनाते हैं तो कई सारी चीज़ें वो आर्टिस्टिक, अपना जो आर्टिस्टिक जो एस्पेक्ट है वो उसमें डालते हैं। जैसे हर चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बनाना, कुछ चीज़ों को ब्लर रखना, कहाँ पे लाइट दिखानी है, कहीं पे शेड दिखाना है, उसको अच्छे तरीके से करना, तो ऑलरेडी उस पेंटिंग में वो सारी चीज़ें एलिमेंट्स डाल चुके होते हैं। तो अगर हम डायरेक्टली उनके वर्क को, उनके जो मास्टर वर्क्स हैं उनको स्टडी करेंगे तो हम उन चीज़ों को कॉपी करेंगे जो वो मास्टर्स उस पेंटिंग में कर चुके हैं। जैसे अगर सपोज़ हम किसी फ़ोटो से आई बना रहे हैं तो टेंडेंसी होती है कि हम उसकी बहुत डिटेल में चले जाते हैं, बट मास्टर्स क्या करते हैं, सिर्फ थोड़ा सा लाइट दिखाया, थोड़ा सा शेडो दिखाई और वो आईज़ का इफ़ेक्ट आ गया, वो भी बहुत रियलिज़म के साथ। तो मास्टर वर्क्स कॉपी करने के पीछे रीज़न ये भी है कि हम सिंप्लिसिटी सीखते हैं। मास्टर अपने पेंटिंग्स में डार्क एरियाज़ कहाँ होने चाहिए, लाइट एरियाज़ कहाँ होने चाहिए, उनको बहुत इजी तरीके से वो डिफ़ाइन करते हैं। हम जो पेंटिंग को देख कर बना रहे हैं आप उसमें ही देख सकते हो कि कितना सिंपल इन्होंने रखा है, डार्क और लाइट एकदम देख के पता चल जाता है कि कौन सा एरिया डार्क एरियाज़ है, कौन सा एरिया लाइट एरिया है। तो बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने डिफ़ाइन किया है। तो शुरू में आपको डार्क एरिया को शेड कर देना है, लाइट एरिया को एकदम वाइट छोड़ देना है, फिर धीरे धीरे आप वाइट एरिया में जहाँ जहाँ हल्की हल्की डार्कनेस है उस चीज़ को आप अच्छे से देख पाओगे फिर, और उस जगह पे फिर आप धीरे धीरे शेड करते चलो। शुरू से हर जगह शेड मत कर दो, बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा और बहुत वैल्यू में गड़बड़ हो जाएगी। पहले डार्क एरियाज़ को डार्क कर दो, लाइट एरियाज़ को वाइट छोड़ दो, फिर वाइट एरियाज़ में धीरे धीरे
अपनी शेडिंग को करते चलो। सेम चीज़ पेंटिंग के साथ भी अप्लाई होती है। डार्क एरिया को पेंट कर दिया, वाइट एरिया जहाँ पे मतलब लाइट है उसको सिंपल एक टोन दे दिया जो लाइट शेड का हो, फिर उस लाइट एरिया में धीरे धीरे आप डार्कनेस लाते चलो। एंड यहाँ पे ये जो तिलक लगाया है माथे पे वो थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है मुझे, तो उसको मैं फिर से ठीक कर रहा हूँ। तो जब भी आपको लगे कि ड्राइंग में कुछ गलती है तो तुरंत आपको ट्राई करना है कि उसको आप उसी समय ठीक कर दो। उसी समय ठीक कर देने से आपका जो एक प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। पर अगर आप उसको इग्नोर करोगे कि चलो लास्ट में करेंगे या अभी बाकी चीज़ करते हैं इसको लास्ट में करेंगे, तो हो सकता है कि वो दिमाग से निकल जाए, वो बाद में ध्यान में ना आए। तो उसी समय आपको ठीक कर देना है उस चीज़ को। डार्क एरियाज़ के लिए मैं स्टेडलर की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, बट आप आर्ट लाइन भी यूज़ कर सकते हो। इन स्टडीज़ में हमें बस डार्क लाइट देखना है, तो मटेरियल इंपॉर्टेंस नहीं रखता। फिर भी अगर आपको सेम मटेरियल लेना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हो। बट अगर आपके पास कोई मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो आप कोई से भी मटेरियल से ऐसे स्टडीज़ कर सकते हो। तो कैसी लगी वीडियो? अगर पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिस ना करो। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप मेकिंग आर्टवर्क एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।